за эту соль. Да, то... квартиру уже заходишь, такой аромат прямо да? Всей, да, да. То ये बोल रहे हैं कि जो पूरे जहां पे हम लोग रहते हैं जिस बिल्डिंग में वो पूरे बच्चे लोगों को कोई मना नहीं करता है. हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे लोग जब इस तरह की चीज़ों से खेलते हैं तो घर वाले बोलते हैं चोट लग जाएगा, इससे दूर रहो. लेकिन यहाँ देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं और इनके माता पिता को कोई टेंशन नहीं है. यहाँ पे शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अपने आसपास को परिवेश को साफ. में जो है महक जो है पूरा जा रहा है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर. खोजना हाँ, तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा स्मेल है. एक्चुअली ये जो है हमारे पड़ोसी हैं और जब खाने का गंध उनके घर तक पहुंचा तो वो बोलने लगे कि अरे ये क्या महक रहा है. तो ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ आ गए देखने के लिए. तो मुझे लगता है कि जो हमारा मिशन है वो बहुत ही कामयाब होने वाला है. हेलो दोस्तों, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद. मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है. आज हम लोग छोला बनाने वाले हैं, छोला, जी हाँ, अपने रूसी दोस्तों के साथ. और आपको भी बताएंगे कि हम लोगों ने किस तरह से रूस में छोला बनाया. तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मजा लीजिए. छोला बनाने के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या सामग्री है. हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन सब चीज़ों को जुटाया है. हमारे पास देखिए तेज पत्ता है, लहसुन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है और साथ में हींग भी है. हींग है और लाल मिर्च है. छोले देखिए कल ही मैंने इसे पानी में डाल दिया था तो ये फूल चुका है, तैयार हो चुका है. साथ में दालचीनी का पाउडर है, फिर क्या कहते हैं इसको, अदरक है, चाय है. उसके बाद हमारे पास और क्या है, हल्दी है. हल्दी के बाद जीरा, काली मिर्च और लौंग. तो ये सब मसाले हमारे पास अभी हैं, शिमला मिर्च भी है. तो इन सब मसालों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग छोला बनाएंगे. और ये मैं पहली बार छोला बना रहा हूँ रूस में, ताकि हम सब रूसी दोस्त के साथ मिल के खा सकें और इन्हें बता सकें कि भारतीय मसाले के साथ खाना बनाना कितना मज़ेदार होता है. ये लोग तो देख के भौचक रह गए कि इतने सारे मसाले इसमें डालेंगे. खैर कोई बात नहीं, पकाने के बाद देखते हैं कैसा स्वाद आता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा. तो हमारे साथ जुड़े रहिए. और ये हमारे पास पानी है, इसको गर्म करना है और गर्म करके हम लोग फिर काबुली चना डाल देंगे. तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर पानी को गैस पर चढ़ा दिया है. ये पानी गर्म होगा उसके बाद हम इसमें छोले डालेंगे. तो छोले डालने के बाद फिर आगे की प्रोसेस जो भी है वो हम आपके साथ साझा करेंगे. हमारे साथ जुड़े रहिए. तो मैंने मासा को बोला है कि इसमें गर्म पानी में तो देखिए माशा को मैंने बोला है छोले को पानी में डाल दीजिए. पानी हल्का गर्म हो चुका है और ये इसमें डल चुका है ना उन्हें सुनर माला. तो अभी ये थोड़ा सा बॉयल होगा ताकि ये थोड़ा सा पचने में आसान हो. मुझे नहीं पता रूसी लोगों को ये पसंद आया कि नहीं, क्योंकि ये लोग अधिकतर ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं और आई थिंक कि ज़्यादा खाने पर पेट ख़राब हो सकता है. इसलिए इसको पहले हम थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और खाने में टेस्टी लगे. दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लहसुन काट लिया है और लहसुन को इसके सहायता से इसको पतले पतले टुकड़े में काट ले रहे हैं. देखिए कितना मुलायम हो गया है और ये हमारा लहसुन तैयार हो गया. ज़्यादा लहसुन हम नहीं मिलाएंगे, कम से कम मसाले रखेंगे क्योंकि रूसी लोगों को ज़्यादा मसाले खाने की आदत नहीं. और इस तरह से देखिए हमारी दोस्त आना जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़े में अदरक को काट रही है. हमारी मदद करने के लिए दो लड़कियां हैं यहाँ पर. और अभी ये देखिए प्याज कट रहा है और एक जगह अदरक कट रहा है और एक जगह प्याज कट रहा है. तो देखिए थोड़ी देर में हमारा प्याज भी तैयार हो जाएगा, अदरक भी तैयार हो जाएगा. दोस्तों उसके बाद देखिए हमारा जो पानी है गर्म हो चुका है. अब इसमें हम लोग चाय की पत्ती डालेंगे. ठीक है, तो हमारे पास रूस में फिलहाल अभी इस तरह का चाय है. तो इस चाय को मैं अभी खोल लिया. उसके बाद
तो अब आप देखिए, ये है चाय। इस चाय को हम लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, चाय को मैंने डाल दिया, इससे जो स्वाद है वो थोड़ा खुशबूदार हो जाएगा, चाय के फ्लेवर का हो जाएगा। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है तो उसी के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो देखिए कैसा बनता है। और ये चाय को मैंने अच्छे से डाल दिया, ये देखिए। और ये देखिए, छोला अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कढ़ाही ये गर्म हो चुका है और इसमें मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। तो तेल गर्म कर रहे हैं और थोड़ी देर में तेल हमारा गर्म हो जाएगा। कुरकुमा, तो इसमें फिर हम थोड़ा सा हल्दी हल्दी मैंने डाल दिया। इसमें दालचीनी था थोड़ा सा पतोम, काली मिर्च फिर हमारे पास लाल मिर्च है, थोड़ा सा हम लाल मिर्च डाल देते हैं। तो ये हमारा, हमारे पास ये सारे मसाले हैं जिसको कि हम लोग डाल रहे हैं। वादा, तो फिर हमारी कढ़ाई भी तैयार हो गई है, पूरा तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। तो हमने देखिए मसाले तैयार कर लिए हैं जो भी यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध थे। और इसमें हमारे पास तेल जो है वो गर्म हो चुका है। फिर प्याज हमारे पास पहले से कटा हुआ है, तो अब हम प्याज को डाल देते हैं इसमें। फिर थोड़ा प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में। देखिए प्याज पक रहा है और मैं थोड़ा सा जीरा इसमें डाल दे रहा हूँ। और ये हमारा जीरा भी तैयार हो जाएगा फ्राई के साथ साथ। और ये देखिए टमाटर भी कट चुका है अच्छे से। और मसाले देखिए तैयार हैं। फिर हमारा जो छोला है वो ऑलरेडी अच्छे से बॉयल हो चुका है, प्याज हमने भून लिया है। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे तेज पत्ता। और अब हम मिलाते हैं तेज पत्ता इसमें, इसको बाद में डालेंगे। एक को ये मैंने तेज पत्ता मिला दिया अच्छे से। देखिए तेज पत्ता के बाद हम मिलाते हैं अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन बहुत बारीक कटा हुआ है, तो ये मैंने मिला दिया अदरक और लहसुन प्याज के साथ। थोड़ा सा और बचा है और ये और ये देखिए, इसको थोड़ी देर लगभग 2 मिनट भूंजेंगे हम लोग। दरअसल मेरा मसाला मिलाने का जो तरीका है पकाने का, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रूसी लोगों का खाना थोड़ा सा अलग होता है, उनको मसालेदार खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ फ्लेवर जो है वो रहे, ज़्यादा पके नहीं, ताकि इनको क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सिर्फ मसाले का और जो लहसुन और अदरक का फ्लेवर इसमें रहेगा सिर्फ। तो दोस्तों, प्याज अच्छे से हमने भून लिया है और तेजपत्ता, अदरक और लहसुन ये सब इसके साथ हमने पका लिए हैं, आप भी देख सकते हैं। ये देखिए क्या शानदार हो चुका है। बहुत
अच्छा सुगंध आ रहा है। वाह दा। उसके बाद हम इसमें ये मिला रहे हैं, पता नहीं ये क्या मसाला है, मैं घर से लाया था तो मुझे इसका नाम नहीं है, अगर आपको नाम इसका पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये क्या है भाई, फूल की तरह है, तो ये मैं डाल रहा हूँ, मुझे इसका नाम नहीं पता, ठीक है। और इसके साथ हम डाल रहे हैं लौंग, मेरे पास 4 लौंग है, देखिए तो मैंने इसमें लौंग डाल दिया और इसमें मैंने इसको थोड़ा सा पकाते हैं। काक जापक दा। और इसका जो महक है इतना शानदार है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त महक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको पका लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। और ये देखिए इस तरह से हमारा प्याज वगैरह मसाला तैयार हो चुका है, बहुत ही सुगंध आ रहा है, और हम इसमें मसाले मिला दिए हैं और मसाले को अच्छे से पकाएंगे। देखिए अब मैं 2-4 मिनट जो है मसाले को पकाऊंगा, क्योंकि जितना अच्छा ये पकेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अच्छे से हमने भूंज लिया है, और आप देखिए क्या मसाला मस्त हो गया है, बहुत ही अच्छा सुगंध चारों तरफ फैल चुका है। देखिए अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, पमीदोर। तो अब हम इसमें टमाटर डाल के थोड़ा सा पकाएंगे, वो तो दोस्तों मैंने टमाटर मिला दिया, और ये देखिए टमाटर। जब हमारा टमाटर अच्छे से पक जाएगा तब फिर हम इसमें जो काबुली चना है छोला वो इसमें हम मिलाएंगे, फिर इसको पकाएंगे। तो हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा जो काबुली चना है वो तो पक चुका है, साथ में अब हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा टमाटर भी अच्छे से पक जाए। और छोले को छान के निकाल के, जो काबुली चना है उसको छान के निकाल के फिर इसमें हम टमाटर में डाल देंगे। और ये देखिए हमारा छोला छन चुका है, और ये हमारा छोला तैयार होने वाला है बहुत ही जल्द। तो इसको अब हम टमाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, टमाटर मसाले जो भी हैं इसमें, प्याज, इसको तो दोस्तों देखिए कैसा बनता है। वैसे तो मुझे खाना बनाने नहीं आता है, मैं बस काम चलाओ बनाता हूँ, लेकिन रूस में रहते रहते रूसी लोगों का स्वाद और किस हिसाब से मसाले डालने हैं क्या करना है उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा अनुभव है, क्योंकि अधिकतर जो भी हमारे रूसी साथी हैं यहाँ पर प्योर रूसी हैं, मतलब कि वो मसाले बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा अच्छा इन्हें लगेगा ज़रूर। तब तक इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। तो दोस्त ये देखिए हमारा खाना बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है। कक जापक जापक नो इज दिस इजी चे आई प्रथम चूस होई छे कोसना ना वो छे कोसना हां। तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा स्मेल है, एक्चुअली ये जो है हमारे पड़ोसी हैं, और जब खाने का गंध उनके घर तक पहुंचा तो वो बोलने लगे कि अरे ये क्या महक रहा है। तो ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ आ गए देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि जो हमारा मिशन है वो बहुत ही कामयाब होने वाला है। तो आगे और हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्या होता है। और हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला रहे हैं, देखिए नमक भी डाल दिए हैं। ईशो तो हमने नमक डाल दिया है। कक जाफक
तो ये बोल रहे हैं कि जो पूरे जहाँ पे हम लोग रहते हैं जिस बिल्डिंग में, वो पूरे बिल्डिंग में जो है महक जो है पूरा जा रहा है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अब इसको जो है हम लोग ढक्कन को बंद कर देंगे और 10-15 मिनट पकाएंगे ऐसे ही। तो दोस्तों हम थोड़ा सा चाय वाला पानी मिला रहे हैं इसमें और हमारा छोला लगभग बन चुका है और इसमें थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे तो इसका स्मेल अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों हमने हींग मिला दिया। ये तो मैं सोल तो छोड़ इशो दा। थोड़ा सा नमक भी मिला दिए हैं क्योंकि छोले में थोड़ा ज़्यादा नमक लगता है। पर तुम जकरीत हमारे पास, अब हमारे पास अंतिम मसाला जो बचा हुआ है वो है, ये है चाट मसाला। तो चाट मसाला को भी हम उसमें मिला देते हैं। यूँ दा है तब मौसम दबा फिर और इसमें हमने दवा मिला दिया इसमें जे चाहिए। तो दोस्तों हमारा छोला जो है पक के तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो हम इसको अपने रूसी दोस्तों को चखाएंगे और उनका फीडबैक लेंगे कि उनको कैसा लगा। तो अभी हम लोग इसको तुरंत नहीं खाएंगे, इसको कम से कम 2 घंटे इसको हम रखेंगे ठंड में, बाहर रख देंगे तो जिससे है मसाला वो पूरे अंदर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर जब खाएँगे तो ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होगा। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है क्योंकि इसमें हमने मिर्च वगैरह बहुत ही कम मात्रा में डाला है। और ये देखिए ये हमारा छोला तो दोस्तों छोला तैयार हो गया, बहुत ही सुगंधित था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो माशा के घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, तो वो सारे लोग आ गए देखने के लिए कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, क्या पक रहा है। तो वो लोग आ गए तो थोड़ा थोड़ा मैंने टेस्ट कराया उन्हें तो अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद जब मसाले अच्छे से मिल जाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। फिर उनके पड़ोसी ने कहा कि चलो तुम्हें इन्वाइट करते हैं हमारे साथ खाने के लिए। तो उन्होंने मुझे अपने गार्डन में बुलाया है। तो यहाँ पे हम लोग मुर्गा पका रहे हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग पार्टी करेंगे। लेकिन देखिए ये हुआ कि खाना छोले बनाने से ये फ़ायदा हुआ कि इससे कई सारे दोस्त यहाँ पर बन गए और जो कि मुझे यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में। तो बहुत ही मज़ेदार दिन है आज का। ये देखिए ये जो जगह है मतलब मासा के घर के बगल में है और यहाँ पे जितने भी क्वार्टर्स हैं सब के पास छोटा छोटा प्लॉट है लैंड का, जहाँ पर कि ये लोग अपना गार्डन छोटा छोटा बना सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने का, कपड़े सुखाने का जगह है ये देखिए खेलने के लिए। और यहाँ पर जो है गर्म पानी या ठंडा पानी ला के और यहाँ पर नहा सकते हैं। तो ये भी है, बैठ सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मतलब घर है ये देखिए। यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं और ये देखिए बच्चों की गाड़ियाँ, बाइक, और यहाँ पे एक झूला भी है। और ये देखिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, झूला पे झूल सकते हैं। और ये अलेक जो है हमारे दोस्त, ये मांस पका रहे हैं। तो ये जब अच्छे से पक जाएगा तो हम लोग सभी लोग मिल के इसे खाएँगे। कुछ ना पाते हैं पूरे चिकन। और ये छोटा सा टेंट हाउस है
इसके अंदर बैठ के हम लोग पार्टी साटी करेंगे। ये देखिए क्या क्या है, जूस है, दारू है, सलाद कट रहा है। Сколько минут нужно? Минут? Это, да? Минут 15. 15. И аппетитная курочка будет готова. Яни, ये जो मुर्गे का देख रहे हैं, इसे पकाने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। तो 15 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग खा सकते हैं। तो हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये जो है मुर्गा वो पक जाए। साथ ही छोले भी हमारे तैयार हैं, वो ठंडे हो जाएंगे, तो उसके साथ फिर हम लोग मिला के मजे से खाएंगे। Маша, что это такое? Вишня. Вишня? Это как в Японии сакура, только она дает плоды, а сакура нет. Ага. Аб мэй хинди мэй кайсе батау, мужэ не пата, лекин мужэ лагта хай, эк тайп ка е бери хай, томатор ки тарах лаг раха хай, лекин бери хай. То аб е пака нэй хай. ये देखिए क्या फल है, ये सेब है। पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह का सेब। तो ये देखिए सेब का पेड़ कैसा होता है। हाँ, और ये है मलीना। सहतूत की तरह है, लेकिन ये एक तरह का शायद बेरी है। और देखिए कैसा होता है मलीना, खट्टा मीठा स्वाद होता है इसका। और ये देखिए इन लोगों ने छोटे से क्षेत्र में आलू लगाया हुआ है। और ये है लहसुन, ये है आलू। Видите, севра. Это яблоки. Да. Вот это растет, не видно пока, груша. Груша? Да. Похоже на яблоки, но потом она станет грушей. Да. Эхе, бачи, кя кар рэхэ. सब लोग बचपन से ही ट्रेंड हो जाते हैं कि साफ सफाई रखना है अपने आसपास को। और बच्चे लोगों को कोई मना नहीं करता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे लोग जब इस तरह की चीज़ों से खेलते हैं तो घर वाले बोलते हैं चोट लग जाएगा, इससे दूर रहो। लेकिन यहाँ देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं और इनके माता पिता को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अपने आस पास को, परिवेश को साफ सुथरा रखना है। देख सकते हैं नीना चुती जलाइस रबोता है दा। हाँ देखिए इसके मम्मी बोल रही है काम कर रही है। Вот это да. Ну, угля, да, курочка всегда вкусная. Да. То есть, видите, койле пе пак рахаха. Это же койла хай ниче, и койле пе пак чука хай мурга. И дхуа-дхуа хо чука хай, пак ке лал хо чука хай, кахи-кахи кала хо чука хай. Исме масале бахут хи кам хонге, я то пата нахи. Хонге, аби нахи хонге. Лекин, я жаб пак жата хай ачче се, то хане ме бахут хи мазя ата хай. Готово. Да, входим, круто. Кастрюль, не индийская. Она не острая, наверное, да? Нет, это не острая. Нет, не попробуйте. Тогда одну, да? Да, ну и все, больше. Ты не поймешь. Я острая просто вообще не люблю. Мама, она
не остро. Подожди, так за пить хоть дайте тогда. Так с одной ты ничего тебе не будет. Попробуй побольше. Сколько, родной? Я пошел на стульчик. Кого дать? Нужно стаканчик, здесь маленький. Ух ты, бля. Вот сюда, вкусненько. Побольше. Олег! Дайте. А тут мясо есть? Нет. Нет. Даня, а ты что из Нининого стакана пьешь? Олег, забери у него стакан, пожалуйста. Ой, Рома! Привет, Киря, Киря, да как ты это? Такой, куда это? Нинин стакан, верните, острая. Пожалуйста, стакан Нинин. Острая или нормально? Острая, не острая, Галатан сказал. Да? Галатан сказал не острая, значит, надо думать, что все. О-о-о, подожди. То есть это еще не острая. Зажигалка есть? Да, остро. Подожди. Не, это, вкусно, но... это нут, бараний горох. Со специями. В смысле, бараний? Это так называется просто. А, козьи какашки, как, нет, у нас, да, как у нас казинаки, да? Нет. О! Вот, а. Вот, а. Вот там, привет, здорово, привет, здорово. Привет, привет, давайте. Ты какими судьбами, Саныч? Ну чё, хоть и не алёта, а? О, Роман! Попробуй. Индийское, да, блюдо. Чисто индийское блюдо. Да. Чоли. Чоли. Чоли, чоли, чоли. Погоди, это же, это ж нут. Ну, да. Ты смотрел? Да. А ты да. Ещё какой... по-индийски, да, его не пробовал? О. Да. Вот вкусно. Меня вкусно всегда окружают. Точно? Все люди, как Цезаря. Ну, мне нравится вот такое. Да, хорошо. Ну, остро. Горит? А, попробовать начнется, да? Без перца будет. Давай проветрите рот. Нормально? Пока нормально. Пока нормально? Ну тогда будет нормально. Ну остренько, но нормально. Да. Потому что я когда был в Таиланде, на рынок пошел, тайский. Да. Просто мне дали одну штучку какую-то, я не знаю, там таракан или чего. Я его съел одного, половинку даже откусил. А потом отпивался 3 часа. Ну тогда. Это еще нормально. Хрена себе, я тоже хочу, но я не могу. Почему? Нет, я... Остро горит. Ну, остро горит, да. Ага, а смотрим. Кирилл зовут. Кирилл, он уже пошел. А, не на Риму. Климу. Сначала кушаешь вкусно. Да. Чувствуется вот букет специй вот этих. А потом, ага, особенно куркума. दोस्तों ये रहा हमारा छोला लगभग खत्म होने को है सब लोग हम लोग खा चुके हैं और भी कुछ लोग आएंगे तो वो लोग भी टेस्ट करेंगे сначала было нормально, но конечно. Да, начал смазывать. Я так сказать, давай дубль. Дире-дире. Чола खत्म हो चुका है. अब कुछ भी नहीं बचा. Базар кетті. Сол खा चुके हैं. और बस पार्टी खत्म होने वाली है अभी शाम के बजे हैं अगर आपको समय बताऊं तो हमारे यहाँ टाइम हो रहा है ओए टाइम तो समय देखिए अभी हमारे यहाँ समय हो रहा है 21:03 यानी 9 बजे रात और चारों तरफ दिन है तो दोस्तों काफ़ी शाम हो चुकी है और हम लोग घर जाने वाले हैं और आप भी अपना ध्यान रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए धन्यवाद आपका दस विदानियाँ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय पका पका